News 18, India. और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका और चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां पर पूनम देवी बीजेपी में शामिल हुई हैं, नेहा मुसावत भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गुरचरण काला भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर दी। आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इन्होंने मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफ़ी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका, लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारण करके मैं गुमराह हो गया था, मनुन पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाकर साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मनु आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँ। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की स्थिति फिलहाल मजबूत होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में आने के बाद अब नगर निगम में बीजेपी के पास 17 पार्षद हो गए। ऐसे में एक वोट चंडीगढ़ सांसद का होता है, जो कि बीजेपी की किरण खेर है। अगर एक पार्षद वाला शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी के पक्ष में वोट करता है तो फिर बीजेपी के पास 19 वोट होंगे और मेयर बनाने के लिए चंडीगढ़ में बहुमत भी 19 की ही है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और चंडीगढ़ चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि सभी पार्षदों को सम्मान मिलेगा और तीनों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी खेमे में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शामिल हो गए हैं और चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर पार्षदों के साथ धोखा करने का आरोप भी लग रहा है। चंडीगढ़ के पार्षद गुरुचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी हैं, गुरुचरण भी क्षमतावान हैं, उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी।